तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मल्टी थ्रेडिंग में हमने एक कॉन्सेप्ट पिक किया हुआ था कि वेज टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन। थ्रेड एग्जीक्यूशन को रोकने के कितने तरीके होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था येल्ड मेथड, जॉइन मेथड एंड स्लिप मेथड। तो येल्ड मेथड को लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटली विद एग्जाम्पल एंड आउटपुट हमने डिस्कस किया था विद ऑल केसेस। येल्ड मेथड में जितने भी केसेस थे उन सबको भी हमने डिस्कस किया था येल्ड मेथड। फिर भी मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ येल्ड मेथड काम क्या करता है। येल्ड मेथड काम करता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड को एक टेम्पररी पॉज देता है। हमें थ्रेड एग्जीक्यूशन में पॉज क्यों चाहिए, थ्रेड एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट क्यों करना है, ये हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप डायरेक्ट ये ज्वाइन मेथड को देखने हैं तो प्लीज आप स्टार्टिंग टू एंड देखो तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ज्वाइन मेथड कैसे येल्ड मेथड से डिफरेंट होता है, ज्वाइन मेथड का काम क्या होता है, येल्ड मेथड का काम क्या होता है, दोनों को हम कंपेयर करके इसमें विद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ज्वाइन मेथड में आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि येल्ड मेथड, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि येल्ड मेथड एक टेम्पररी पॉज देता है, और येल्ड मेथड को एज अ हिंट लेता है, एज अ सजेशन लेता है थ्रेड शेड्यूलर। अगर उसका मन करेगा और अगर उसको पसंद आएगा ये हिंट, अगर उसको पसंद आएगा ये सजेशन, तो ही येल्ड मेथड की हेल्प से एक टेम्पररी पॉज देगा किसी पर्टिकुलर थ्रेड पर। अब ज्वाइन मेथड के साथ क्या है, खेल अलग है, पूरा डिफरेंट है। ये येल्ड मेथड से पूरा डिफरेंट है। येल्ड मेथड क्या करता है, टेम्पररी पॉज देता है, तो ज्वाइन मेथड क्या करता है, परमानेंट पॉज देता है। येल्ड मेथड को एज अ हिंट, एज अ सजेशन लेता है थ्रेड शेड्यूलर, लेकिन ज्वाइन मेथड को एज अ कमांड लेता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ कमांड लेता है, अनटिल और अनलेस कि जो दूसरा वाला थ्रेड है ना, जो पर्टिकुलर थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी वेरी लो ना हो। अगर प्रायोरिटी लो होगी तभी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ज्वाइन मेथड को एज अ हिंट, एज अ सॉरी कमांड क्रिएट करता है थ्रेड शेड्यूलर, और येल्ड मेथड को एज अ हिंट क्रिएट करता है। अब हम यहाँ पे विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट कि हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट सिग्नेचर ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन के कितने सिग्नेचर हैं, हमारे पास तीन सिग्नेचर हैं। सबसे पहला सिग्नेचर क्या है, पब्लिक फाइनल वॉइड एंड ज्वाइन। अब यहाँ पे आप देखोगे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन है ना, हर ज्वाइन मेथड एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है। चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या, वो कंपाइल टाइम में ही चेक होगा और हमें अगर एक्सेप्शन रेज होगी तो कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ज्वाइन मेथड को हैंडल करना पड़ता है बाय यूजिंग ट्राई और कैच वी कैन हैंडल, और बाय यूजिंग थ्रोस कीवर्ड वी कैन हैंडल। दो तरीके होते हैं हैंडल करने के एक्सेप्शन के, हमने देखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, एंड क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। सो एक्सेप्शन को हैंडल, चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो थ्रोस कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं या तो ट्राई एंड कैच का। तो यहाँ पे हमने थ्रोस कीवर्ड का यूज कर लिया और इंटरप्टेड एक्सेप्शन को रेज करते हैं, यहाँ पे हैंडल कर लिया है ना। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज होगा, ठीक है। इंटरप्टेड एक्सेप्शन क्या है, एक चेक्ड एक्सेप्शन है, वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। ओके, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ फाइनल कीवर्ड यूज हुआ है, मतलब कि इस ज्वाइन मेथड को कभी हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन मेथड को कभी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। सो फाइनल कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, हम इसे कभी ओवरराइड नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे दूसरा सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन लॉन्ग एमएस, मतलब कि हमें किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे कितनी देर के लिए पॉज देना है, कितनी देर के लिए पॉज देना है, ये भी हम डिफाइन करके किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे उतनी देर के लिए हम पॉज दे देंगे, ठीक है, इन सब चीजों को। तीसरा भी हम यहाँ पे ज्वाइन लॉन्ग एमएस एंड इंट एनएस है ना, नैनो सेकंड, इन सब चीजों को भी हम विद एग्जांपल देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि बेसिक ज्वाइन का एग्जांपल हम देखेंगे, ज्वाइन को हम कैसे यूज करते हैं, ज्वाइन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और ज्वाइन कैसे काम करता है किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड पर, कैसे परमानेंटली पॉज देता है। तो हम अपने टेस्ट डॉट जावा फाइल में आ जाते हैं, यहाँ पे एक हम थ्रेड बनाते हैं, माई थ्रेड नेम से हमने यहाँ पे थ्रेड बनाया एंड एक्सटेंड कर दिया इसको थ्रेड क्लास से, ठीक है। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे थ्रेड बनाया, अब जैसे हम यहाँ पे थ्रेड बनाते हैं, जैसे हमने एक्सटेंड किया वैसे यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि हमें ओवरराइड करना पड़ेगा किसको, पब्लिक वॉइड एंड रन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, एंड इसके अंदर आते हैं हम अपने टास्क को देंगे जो हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टास्क दे देते हैं कोई समथिंग, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, एंड देन ओवरऑल इसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे, हम स्टेटमेंट देंगे लाइक माई थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, ताकि हमें चीजें क्लियर हो, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब एक और हम क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट, इसके अंदर हम मेन मेथड को रखते हैं, एंड मेन मेथड के अंदर हम आते हैं
अभी अभी तक कोई थ्रेड, अभी तक अगर आपने थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग के सारी वीडियोस देखे हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि अभी तक कितने थ्रेड हैं इस पूरे प्रोग्राम में, कितने थ्रेड आपको नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेड नजर आ रहा है। अभी ये थ्रेड रजिस्टर्ड नहीं है, ये थ्रेड हमने क्रिएट तो कर दिया पर ये रजिस्टर्ड नहीं है। कब रजिस्टर होगा? जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक बाय डिफॉल्ट थ्रेड है जो कि ये मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड क्या है? बाय डिफॉल्ट थ्रेड है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड है। अब हम क्या करेंगे, माई थ्रेड का एक इंस्टांस बनाएंगे, सपोज थ्रेड वन करके एक इंस्टांस बनाया हमने माई थ्रेड, ठीक है। अब इस थ्रेड वन से हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया, मतलब इस इंस्टांस से हमने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया। अब ये इंस्टांस किसका है? माई थ्रेड का इंस्टांस है। अब माई थ्रेड को क्या करेगा? जैसे हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया, वैसे थ्री टास्क परफॉर्म होती है। हमने स्टार्टिंग टू एंड अभी तक ये डिस्कस किया है कि स्टार्ट मेथड को जैसे हम कॉल करेंगे तीन टास्क परफॉर्म होंगे। पहला टास्क क्या होगा? इस माई थ्रेड को रजिस्टर करेगा। कहाँ रजिस्टर करेगा? थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर करेगा। दूसरा, माई थ्रेड से रिलेटेड जो भी एक्टिवेशन के काम होंगे सारे एक्टिवेशन का काम करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, कि इस रन मेथड को इन्वोक करेगा। हमने कहीं कॉल नहीं किया इसको, लेकिन इस रन मेथड को ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? इन्वोक करेगा और इसके अंदर जो भी टास्क दिया गया है उस टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने थ्रेड हो गए? दो थ्रेड हो गए। एक क्या हो गया? मेन थ्रेड हो गया। दूसरा कौन सा थ्रेड हो गया? थ्रेड वन, जो किसका इंस्टांस है? माई थ्रेड का इंस्टांस है। तो हमारे पास कितने थ्रेड हो गए? दो थ्रेड हो गए। अब सपोज इसी में हमने क्या किया, एक और टास्क रख लिया मेन थ्रेड के अंदर, एक टास्क रख लिया और इसके अंदर हमने रख दिया मेन थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग। अब नॉर्मली अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, मैं इसे सिंपली एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अभी मैंने कोई भी प्रिवेंशन मेथड यूज नहीं किया हुआ, ठीक है। कोई भी प्रिवेंशन मेथड यूज नहीं किया मतलब कि हमारा जो आउटपुट होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। ओके फाइन, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली जावा टेस्ट। एंड इसको हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम बार बार पेस्ट करके आउटपुट देखेंगे। ओके फाइन, लेट मी सी देयर इज एनी डिफरेंट आउटपुट और नॉट। इफ ऑन द कर्वड यू कैन गेट इजी टू डिफरेंट आउटपुट, मे बी It's totally depend on the thread schedule actually. So don't be worried if you are seeing again and again same output, and don't be confused like output is expected, right? So this is totally depend on the thread scheduler. So thread scheduler पर depend कर रहा है ये। या बार बार अगर एक ही algorithm लगाएगा तो बार बार आपको एक ही output मिलेगा, है ना? So अभी हमें देखने को मिला, मतलब कि हमें output क्या है, हमने देखा है previously भी हमने देखा है कि output क्या है, unexpected होता है, ठीक है। फिर मैं एक दो बार करके दिखा देता हूँ, मे बी लक इज गुड। मिल जा भाई, नहीं मिल रहा। ओके सो जब भी अभी तक हमने कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूशन पे प्रिवेंशन मेथड नहीं लगाया हुआ है, मतलब कि ये टोटली डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर, वो जैसे मर्जी हो रही है उसको वैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम येल्ड मेथड यूज करेंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अगर हमें येल्ड मेथड यूज करना तो हम कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे थ्रेड वन डॉट येल्ड मेथड को कॉल कर देना है, येल्ड मेथड को हमने कॉल कर देना है। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, अब थ्रेड शेड्यूलर इस येल्ड मेथड को एज अ हिंट ट्रीट करेगा, एज अ सजेशन ट्रीट करेगा। अब तक क्या कर रहा था थ्रेड शेड्यूलर? अपने मन मर्जी का काम कर रहा था ना। अब जैसे हमने यहाँ पे हिंट दिया, अगर उसको हिंट पसंद आया तो वो क्या करेगा, इस मेन थ्रेड को क्या करेगा, एक पॉज देगा, एक टेम्पररी पॉज देगा और इस वाले मेन माई थ्रेड को ये एक एग्जीक्यूशन का चांस देगा, एक फेयर चांस देगा, ठीक है। मतलब कि जहां हमने थ्रेड येल मेथड को कॉल किया है उस वाले थ्रेड को क्या करेगा, टेम्पररी पॉज देगा, अगर हिंट पसंद आया तो, अगर सजेशन पसंद आया उसका तो, अदरवाइज वो कंटिन्यू करेगा, अपनी मनमर्जी का मालिक है वो, ठीक है। नाउ लेट मी सी लाइक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। इफ आवर लक इज गुड मे बी वी कैन सी डिफरेंट आउटपुट मे बी। या अब आप यहाँ पे देखो, मैंने येल्ड मेथड को कॉल किया था, येल्ड मेथड को मेन मेथड मेन थ्रेड के अंदर से कॉल किया था, मतलब मेन थ्रेड को अगर उसको ये सजेशन पसंद आती तो मेन थ्रेड को क्या होता, एक टेम्पररी पॉज मिलता। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मेन थ्रेड पहले पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है तब जाके माई थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन थ्रेड पूरा पहले एग्जीक्यूट हुआ फिर माई थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मतलब उसको ये सजेशन ये हिंट पसंद नहीं आए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे यहाँ पे उसको ये सजेशन पसंद नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी का काम करेगा। फिलहाल अगर हमें, या आप यहाँ पे देखो, हमें एक आउटपुट मिल गया। यहाँ पे देखो पहले मेन थ्रेड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर उसको उसका थ्रेड क्या है, उसका येल्ड मेथड का जो हिंट है उसको समझ में आया और उसने क्या किया, इस माई थ्रेड को
एग्जीक्यूट करने दिया और मेन थ्रेड को एक टेम्पररी पॉज दे दिया, एक टेम्पररी पॉज दे दिया, फिर रेस्ट ऑफ द मेन थ्रेड है वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ, है ना। यहाँ पे आप देखोगे टेम्पररी पॉज मिला, किसकी हेल्प से मिला हमें, हमें यील्ड मेथड की हेल्प से मिला। तो ये भी क्या है, थ्रेड एग्जीक्यूशन का प्रिवेंशन मेथड है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहा है। बार बार हमने करके देखा, कई सारे हमने आउटपुट निकाले, तब जाके हमें एक पॉसिबिलिटी मिली कि यहाँ पे एक टेम्पररी पॉज मिला किसको, मेन थ्रेड को। अगर हम चाहते हैं अब इस मेन थ्रेड को परमानेंटली पॉज मिल जाए अंटिल और अनलेस ये माई थ्रेड जो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना कर ले, तो हम यहाँ पे ज्वाइन मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो ज्वाइन मेथड सिंपली अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन मेथड को यूज किया, अब ये ज्वाइन मेथड एज अ हिंट ट्रेड नहीं होगा बल्कि एज अ कमांड ट्रेड होगा, कहाँ पे, थ्रेड शेड्यूलर में। लेकिन इसको यूज करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ज्वाइन मेथड चेक्ड एक्सेप्शन रेज करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज करता है, जो कि क्या है, एक चेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शन को अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू, अगर मैं इसे हैंडल ना करूं तो हमें कंपाइल टाइम में ही एरर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखो, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, हमने यहाँ पे इंटरप्ट किया, किसको इंटरप्ट किया है, थ्रेड शेड्यूलर को इंटरप्ट किया है। इंटरप्ट करके मैंने ये बोला है, कमांड दिया है कि तुम रुको, यहाँ पे किसको रोकना है हमें, मेन थ्रेड को रोकना है, तुम रुको और अभी ये एग्जीक्यूट होगा, माई थ्रेड वाले का इंस्टांस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक आपको एग्जीक्यूट नहीं करना। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन रेज हो रहा, तो हमें इस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करना होगा। तो बाई द हेल्प ऑफ थ्रोस कीवर्ड और बाई द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक वी कैन हैंडल इंटरप्टेड एक्सेप्शन, है ना, हमने देखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कोई भी कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिली। अब जावा एंड टेस्ट, जैसे मैंने इंटर हिट किया, अब आप यहाँ पे देखो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेन थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट हुआ, पहले कौन एग्जीक्यूट हुआ, माई थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने मेन थ्रेड के अंदर ज्वाइन मेथड को कॉल किया है और ज्वाइन मेथड क्या कहता है कि जहां से ये कॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर थ्रेड पर परमानेंटली पॉज मिल जाएगा अंटिल और अनलेस उसको कॉल करने वाला, कॉल करने वाला कौन है, थ्रेड वन इंस्टांस। ये किसका इंस्टांस है, माई थ्रेड का, मतलब माई थ्रेड जो थ्रेड है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम बार बार इसको करके देखें, लाइक प्रीवियसली हमने जैसे उसमें करके देखा, यील्ड मेथड में करके देखा, हमें आउटपुट सेम देखने को मिलेगा। आप देखो मैं करके दे रहा हूं, हमें आउटपुट सेम देखने को मिलेगा। आई विल डू 100 ऑफ टाइम, मे बी 200 ऑफ टाइम, आउटपुट हमें सेम देखने को मिलेगा, आउटपुट हमें सेम देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइन मेथड लगाया, ज्वाइन मेथड क्या करता है, पर्टिकुलर थ्रेड पे परमानेंट पॉज लगा देता है। अब यहाँ पे मैंने माई थ्रेड पे, माई थ्रेड क्या हुआ, पर्टिकुलर पॉज लग गया, माई थ्रेड सॉरी मेन थ्रेड पे पर्टिकुलर पॉज मिल गया, और किसको चांसेस मिले, मेन थ्रेड को चांसेस मिला। यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर ज्वाइन मेथड को एज अ कमांड ट्रीट कर रहा है अंटिल और अनलेस कि हम जहां जिस पे ज्वाइन मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो लोअर प्रायोरिटी का ना हो। अगर वेरी लो प्रायोरिटी का होगा तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इस ज्वाइन मेथड को एज अ कमांड ट्रीट करेगा थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है। तो ये था सिंपल ज्वाइन मेथड कैसे यूज करते हैं, हमें समझ में आ गया क्या डिफरेंसेस है ज्वाइन एंड यील्ड मेथड में। अब कुछ केसेस हम लेंगे, कुछ केसेस देखेंगे ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। नोट, वी कैन यूज डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ ज्वाइन, व्हाट वी हैव सीन अबव, हम सारे सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ वी यूज ज्वाइन, इसके अंदर 2000 ms दे दिया, मतलब 2 सेकेंड के लिए किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड पे हमें पॉज देखने को मिल सकता है 2 सेकेंड के लिए। सपोज इसका छोटा सा हम रिव्यू देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 2000 ms की जगह यहाँ पे सपोज क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जब इसके अंदर हम लगा देते हैं 10 ms लगा देते हैं, 10 ms लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 ms हो गए, या 1 ms लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें हम चेंजेस कर देते हैं समथिंग, कुछ 50 कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं, वरना हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बहुत फास्ट होता है ना कि एक एक मिली सेकेंड में, एक एक नैनो सेकेंड में सारे काम हो जाते हैं। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप देखोगे थोड़े से डिफरेंसेस आपको माइट भी देखने को मिल जाए। सी व्हाट इज हैपनिंग, सी सबसे पहले माई थ्रेड को 1 ms के लिए पूरा मौका मिला, 1 ms के लिए पूरा मौका मिला। अब 1 ms तक जो है माई थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। 1 ms के बाद किसको मौका मिला, मेन थ्रेड को मौका मिला। अब ये इंटरप्टेड नहीं है, मेन थ्रेड यहाँ पे इंटरप्टेड नहीं है और मेन थ्रेड पूरी तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा।
फिर उसके बाद माई थ्रेड यहाँ पे आएगा। अब जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट था माई थ्रेड का, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे 1ms का ज्वाइन मेथड लगाया था, मतलब कि 1ms जो है ये ज्वाइन मेथड जो है 1ms के लिए वैलिड है, 1 मिलीसेकंड के लिए वैलिड है। 1 मिलीसेकंड तक इसको एक पॉज मिलेगा, परमानेंट पॉज मिलेगा, कितने देर के लिए, 1 मिलीसेकंड के लिए, और 1 मिलीसेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखोगे 1 मिलीसेकंड के लिए इसने कितना एग्जीक्यूट कर लिया, 1 मिलीसेकंड में कितना एग्जीक्यूट कर लिया, कितना एग्जीक्यूट कर लिया इसने, इतना सारा एग्जीक्यूट कर लिया 1 मिलीसेकंड में। 1 मिलीसेकंड के बाद फिर से ये कंटिन्यू करेगा, मेन थ्रेड कंटिन्यू करेगा, अपना कंप्लीट करेगा पूरा एग्जीक्यूशन, एंड देन ओनली माई थ्रेड का जो बचा हुआ पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम लॉन्ग MS जो मतलब MS है उसको यूज कर सकते हैं इसमें, इसके अंदर, ठीक है, मतलब एक वैल्यू दे सकते हैं कि कितने देर के लिए हम पॉज देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर थ्रेड पे, ठीक है। ओके, केस टू, वेटिंग फॉर ऑफ चाइल्ड थ्रेड अंटिल कंप्लीटिंग मेन थ्रेड, वेटिंग ऑफ चाइल्ड थ्रेड अंटिल कंप्लीटिंग मेन थ्रेड, या राइट, वी कैन हैव, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल में आते हैं यहाँ पे। सपोज हम क्या चाहते हैं, अभी तक हम मेन थ्रेड को एक पॉज दे रहे थे, अब ये मेन थ्रेड में हम पॉज नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं ये पॉज इस वाले थ्रेड को मिले, है ना, जब तक कि मेन थ्रेड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक जो है ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो। तो हम इसको देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंस्टांस बनाएंगे, स्टैटिक थ्रेड क्लास का एक इंस्टांस बना लेते हैं, सपोज पॉज नेम दे देते हैं समथिंग, ठीक है, पॉज नेम दे दिया। अब इसके अंदर हम आते हैं इसके अंदर आते हैं, और यहाँ पे अब एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, अगर हम यहाँ पे throws interrupted exception इस run method के पास यूज कर रहे हैं तो हमें compile time error देखने को मिलेगी। मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसके अंदर सपोज मैंने इसके अंदर कोई यूज कर लिया pause dot join, फिर हमने अगर यूज कर लिया, ठीक, pause dot join हमने यूज कर लिया, अब यहाँ पे हमें compile time error देखने को मिलेगी। Exception interrupted exception is not compatible with throws clause in thread.run. यहाँ पे हम ये use नहीं कर सकते। अब हमें इस join method से जो checked exception raise हुआ है, interrupted exception raise हुआ है, उसको with try and catch ही हमें use करना पड़ेगा। With try and catch use करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे try block में आएंगे, इसको pause dot join यहाँ पे देंगे, and catch block में आएंगे, और यहाँ पे handle करेंगे interrupted exception is something like, that's it. यहाँ पे हैंडल कर दिया। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब ये माई थ्रेड है, इसको परमानेंटली पॉज मिल जाएगा, और किसको मौका मिलेगा, इस मेन थ्रेड को मौका मिलेगा, अनटिल और अनलेस मेन थ्रेड पूरी तरीके से कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाएगा तब तक माई थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई कंपाइल टाइम एरर देखने को नहीं मिली, जावा टेस्ट, boss is not equal to null, and then only we can go with the pause dot join. Okay, problem is solved. And यहाँ पे we can put that print stack trace method to see if there is any errors. Okay, fine. So let's compile again. Successfully compiled. Java test. Okay, you can see. Main thread को मौका मिला, chances मिला. और किसको पॉज मिला, माई थ्रेड को पॉज मिला, क्यों, क्योंकि माई थ्रेड के अंदर हमने ज्वाइन मेथड को यूज किया था, यानी कि चाइल्ड थ्रेड जो है उसको एक परमानेंट पॉज मिला, टेम्पररी पॉज नहीं परमानेंट पॉज मिला, और माई थ्रेड जब तक कि माई मेन थ्रेड जो है ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक जो चाइल्ड थ्रेड है उसको चांसेस नहीं मिलेंगे एग्जीक्यूट करने के, ठीक है। तो इस तरीके से चाइल्ड थ्रेड पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हमने एक
अननेसेसरी लग रही है मुझे, कोई सेंस नहीं इसमें। इफ वी पुट ऑपोजिट और ज्वाइन आफ्टर मे बी इट इज बिफोर बिफोर ऑपोजिट डॉट स्टार्ट देन बिफोर दे देन इट विल बी इन डेडलॉक, ऐसा कुछ सेंस नहीं है। लेट मी चेक, कुछ ऐसा सीन है क्या? ये कह रहे हैं कि अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको अगर यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम थ्रोस, यहाँ पे क्या करें, एक थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हैंडल कर लें, और ये कह रहे हैं कि थ्रेड स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, कॉल कर दूँ किसके लिए, माई थ्रेड के लिए, थ्रेड वन डॉट ज्वाइन, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से कोई डेडलॉक नहीं आएगा। लेट मी सी, आई एम रॉन्ग और नॉट, कोई डेडलॉक आना तो नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता उसका, या कोई डेडलॉक नहीं है। कोई डेडलॉक नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज हो रही है यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो जावा टेस्ट, आप यहाँ पे देखो आउटपुट जो है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे ज्वाइन मेथड जो है वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने ज्वाइन मेथड तो दिया है थ्रेड शेड्यूलर को, लेकिन जब ज्वाइन मेथड को दिया हमने तब तक ये वाला जो थ्रेड वन है ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ थ्रेड शेड्यूलर में। अब थ्रेड शेड्यूलर में जब ये थ्रेड वन नाम का कोई थ्रेड रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ होगा तो किसको वो चांसेस देगा? तो यहाँ पे ये सीन है, डेडलॉक नहीं आ रही है, लेकिन एज अ ये नॉर्मल नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग की तरह काम करेगा, इसमें कोई भी प्रिवेंशन वर्क वर्कआउट नहीं हो रही है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं बना, मतलब हमने कोई थ्रेड क्रिएट ही नहीं किया उसके ऊपर हम ज्वाइन ज्वाइन थ्रेड ज्वाइन मेथड दे रहे हैं, रजिस्टर ही नहीं किया कोई थ्रेड उसके ऊपर हम ज्वाइन मेथड दे रहे हैं कि आप इस थ्रेड को चांसेस दो और इस पर्टिकुलर थ्रेड को एक परमानेंट पॉज दो, तो थ्रेड शेड्यूलर कैसे सुनेगा, है ना? थ्रेड शेड्यूलर कैसे, यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं आएगी, लेकिन ये एज अ नॉर्मल मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है? ओके फाइन, सो लेट्स सी अनदर वन, इफ अ सेम थ्रेड कॉल ज्वाइन मेथड देन थ्रेड विल बी इन डेडलॉक। अरे भाई ये रिमूव कर दो, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है रिमूव कर दूंगा मैं इसे बाद में। फाइन, या इट इज इंटरेस्टिंग, लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग ऑर नॉट, इट इज आस्किंग लाइक कि अगर सेम थ्रेड को हमने ज्वाइन कॉल कर दिया तो ये डेडलॉक होगा क्या? कहने का इनका सेंस ये है कि ये ऊपर के सारी चीजें अगर हम हटा दें और ये स्टार्ट मेथड भी हटा दें और यहाँ पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट, मतलब करंट थ्रेड पे हमने ज्वाइन मेथड कॉल कर दिया, इफ इट इज इन डेडलॉक स्टेट और नॉट, थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल इट विल बी इन डेडलॉक स्टेट, यस इट इज डेडलॉक स्टेट। ओह नाइस नाइस कॉन्सेप्ट, नाइस केस, रिमेंबर दिस केस कि अगर सेम थ्रेड पे हमने ज्वाइन मेथड को कॉल किया, सेम थ्रेड पे अगर हमने ज्वाइन मेथड को अप्लाई किया तो वो थ्रेड एक डेडलॉक केस में चला जाएगा, मतलब ये खुद को ही परमानेंटली पॉज देता रहेगा, खुद को ही परमानेंटली पॉज देता रहेगा और कोई दूसरा थ्रेड है ही नहीं, कोई दूसरा थ्रेड है ही नहीं, तो यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है? डेड लॉक स्टेट है, डेड लॉक स्टेट है, डेड लॉक स्टेट है, मेक ए नोट ऑफ इट, डेड लॉक स्टेट है ये, ठीक है? गुड केसेस, बढ़िया केस था। व्हेन वी गो फॉर द स्लिप मेथड, ओके फाइन, सो यहाँ पे ज्वाइन मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, इसके सारे केसेस हमने कवर कर लिए, होप सो आपको समझ में आया हो, इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, ऑन ओवरऑल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्लिप मेथड, स्लीप मेथड की हेल्प से हम कैसे थ्रेड एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपको इन ऑर्डर देखना है, सारी वीडियोस इन ऑर्डर देखना, अगर आप इन ऑर्डर वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आपके सर के ऊपर से जाएगी। मैं हर एक स्मॉल से स्मॉल थिंग्स मैं कवर करता हूँ, स्मॉल से स्मॉल केस लेता हूँ, उसे डिस्कस करता हूँ, उसे समझता हूँ, तो अगर आप स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो जावा आपके दिमाग में कंप्लीटली फिट हो जाएगी। ओके फाइन।